आज हमारे एहतजाज का 13वां दिन है और हमने हर फोरम पे रिक्वेस्ट की है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और हमारे साथ अब पूरा के पूरा फेडरल सेक्रेटरी, सतना से ऊपर जितने भी ऑफिसर हैं, जो सारी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर हमारे साथ शामिल हो गए, और कल से 1 से लेकर 16 तक के जो मुलाजमीन हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनके भी इश्यूज हैं। तो कल से पूरे का पूरा सेक्रेटेरिएट बंद होने वाला। आज 13वां दिन है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट के लिए। एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिया गया है सिर्फ 2 सिलेक्टेड ग्रुप्स को, और कैबिनेट का डिसीजन ये था कि सारे उनको मिलेगा, सब कार्यों को जितने भी सेक्रेटेरिएट में हैं 17 और अबव, उनके लिए भी था। तो हमारा प्रोटेस्ट ये है कि लेटर एंड स्पिरिट में उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए और इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि कंट्री में बात तो हम लोग करते हैं कि हम सबको इक्वल राइट्स देंगे, बट अगर आप इस क्लास को भी इक्वल राइट्स नहीं देते तो फिर आप आम पब्लिक के लिए कैसे ये इंश्योर करेंगे कि इक्वल राइट्स दें। इसी माशरे में है, हमारे भी कोई एक्सपेंडिचर हैं तो वो कहाँ से मीट होंगे? और जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कैबिनेट डिवीजन ने, उन्होंने क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया है कि वो हुआ या नहीं हुआ? जस्ट पॉलिसी बनाना और उसको डॉक्यूमेंटेड कर देना काफ़ी नहीं होता।